नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो किस पे एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। और उनसे क्या होता है, फिर पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करती है। तो अभी अपन ने देखा पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, MSH, और न्यूरोहाइपोफाइसिस से अपन ने देखा ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। तो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH और LH जो हार्मोन है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक हार्मोन। इन हार्मोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन। और इनको ट्रॉफिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ये जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, दूसरे जो एंडोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये पिट्यूटरी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और पिट्यूटरी से फिर ये ग्रोथ हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन, ACTH हार्मोन, ये हार्मोन सब क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर इसमें ध्यान रखना कि जो ग्रोथ हार्मोन जो है और प्रोलैक्टिन है और MSH है, ये जो तीनों हार्मोन हैं ये क्या करते हैं, इनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। इनके दोनों के क्या होंगे, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन रिलीज होंगे। किस किस के? ग्रोथ हार्मोन के, प्रोलैक्टिन के और MSH के। और जबकि जो बाकी हार्मोन है कौन कौन से, थायरोट्रोपिन, ACTH, LH और जो FSH हार्मोन है, वो सिर्फ और उनके क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होते। वो इनहिबिट कहीं से होते हैं, नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का, हार्मोनल सिस्टम का जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो है, उससे इनहिबिट होते हैं। अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस में मैसेज आता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, उनको, उनके सिक्रेशन को कम कर देता है। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक बैक मैकेनिज्म से वर्क करते हैं, इनके इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होते। तो अपन ने देखे ये अभी ये हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं। और ये अपन ने इतने सारे हार्मोन देखे, इनको ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। और ये GHRH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और MSH के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन होते हैं। और इन बाकी के सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। तो ये अपन ने देखा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपन थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन देखते हैं। थायरॉयड ग्लैंड एंडोडर्मली ओरिजिन होता है और ये बाइलॉब्ड होता है। और जो दोनों लॉब्ड होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, इस्थमस से कनेक्ट होते हैं। फिर जो इसमें एक कोलोइडल सब्सटेंस रिलीज होता है वो है थायरोग्लोबुलिन। और ये क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये थायरोग्लोबुलिन क्या करता है, थायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। थायरोग्लोबुलिन क्या करता है, थायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। और ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और थायरॉयड एकमात्र अपन ने देखा था ऐसा ग्लैंड है, ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को क्या करता है, स्टोर करता है। बाकी तो क्या, बाकी हार्मोन क्या करते हैं, वो लीवर से, लीवर और किडनी क्या करते हैं, उनको यूज़ होने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। बल्कि सिर्फ थायराइड हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो बॉडी में स्टोर होते हैं और 3 महीने तक स्टोर होते हैं। और ये थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। फिर कैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन है जो कौन सीक्रेट करता है, थायराइड में जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। और ये कैल्सिटोनिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है। उसके बाद में थायराइड हार्मोन अपन देखते हैं, थायराइड हार्मोन क्या सीक्रेट करता है, T3 और T4 को सीक्रेट करता है। T4 को अपन थायरोक्सिन भी बोलते हैं। और जो नंबर होता है T4 का वो 80% सीक्रेट होता है और T3 है वो 20% सीक्रेट होता है। और थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन किसका डेरिवेटिव है, टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन किसका डेरिवेटिव है, थायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। और T3 और T4 किससे रिलीज होते हैं, चीफ सेल से होते हैं। कैल्सिटोनिन किससे रिलीज होता है, पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होगा। और T3 और T4 किससे रिलीज होंगे, चीफ सेल से रिलीज होंगे। और T3 और T4 अपन ने देखा था उस टाइम स्टेरॉयड और थायरॉयड जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं जो सेल के अंदर जाके, सेल के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं, इंट्रासेलुलर इनके रिसेप्टर होते हैं और ये सेल के अंदर जाके वर्क करते हैं। अपन ने यहाँ पे देखा T4 का नंबर ये 80% रिलीज होता है, बट जो ज़्यादा पोटेंट होता है वो कौन होता है, T3 होता है। जब T4 सेल में जाता है तो T4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। शरीर को डेली 120 UG आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए। अब अपन थायरोक्सिन के फंक्शन देखते हैं। थायरोक्सिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है और मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उन सबको मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये क्या करता है,
जो सेल हैं उनके उनका ऑक्सीजन जो अपटेक है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब सेल के ऑक्सीजन अपटेक को इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, एक रेस्पिरेशन बढ़ेगा। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा अपटेक होगा, ज़्यादा यूज़ होगा, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा। रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एटीपी का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। एटीपी का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एटीपी से क्या जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, बॉडी का बीएमआर बढ़ेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, जो बॉडी है वो वेल फंक्शन करेगी। ये सोडियम पोटाशियम पम्प की एक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। जो सेल होती है तो सेल की मेम्ब्रेन पे जो सोडियम पोटाशियम पम्प प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा और उनके सेल में मूवमेंट को बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा, ज़्यादा एटीपी जनरेट होंगे, ज़्यादा एटीपी जनरेट होंगे तो उससे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज़ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज़ होंगे। और ये क्या करेगा, अब अपन देखते हैं इसके तीन फंक्शन, वही एनाबॉलिज्म वाले, कैटाबॉलिज्म वाले, और ये क्या स्टोर करके रखता है। तो ये क्या करेगा, एनाबॉलिज्म किसका करेगा, बनाएगा किसका, प्रोटीन का। और ये तोड़ेगा किसका, तोड़ेगा किसको, फैट को, कोलेस्ट्रॉल का लाइसिस करेगा, ये लाइपोलाइसिस करेगा। और बचा के किसको रखेगा, ग्लूकोज का, ग्लूकोज को बचा के रखेगा। ये क्या करेगा, ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए होगा तो ग्लूकोज चाहिए होगा तो ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ग्लाइकोलाइसिस से आएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से आएगा। ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा और ग्लाइकोजन ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और नया ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। वही ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनेगा और ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। और उससे क्या होगा, नया ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी नया ग्लूकोज बनेगा। और जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो ग्लूकोज कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से आएगा, ग्लूकोज नया बनेगा उससे आएगा, और ये जो जीआई ट्रैक है उसमें ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाएगा। तो उससे क्या होगा, जीआई ट्रैक की मोटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब जीआई ट्रैक की मोटिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो उससे जो हार्ट के जो मसल है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उससे जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो उससे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा एक्टिव होगा। और थायराइड क्या करता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है। और ये लाइसिस किसका करेगा, फैट का करेगा, तो ये क्या करेगा, फैट का लाइपोलाइसिस करेगा। तो ये अपन ने देखे थायराइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। और ये साथ ही साथ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और पैराथायरॉयड हार्मोन है उनके सिक्रेशन को भी एनहेंस करेगा, उनके सिक्रेशन को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। और ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की जैसे ये हार्मोन भी क्या होता है, डाइबेटोजेनिक हार्मोन होता है। और ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो क्या होता है, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी होता है। ये क्या होता है, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी होता है। ये क्या करता है, कैलोरी मतलब हीट को बनाए रखता है, हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये अपन ने देखें थायरोक्सिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं।